वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से किसी को भी बड़ी आसानी से अपने वश में किया जा सकता है। काफी लोगों के जीवन में ऐसी परेशानी होती है कि वे जिससे भी प्रेम करते हैं या जिसको चाहते हैं वह उन्हें मिल ही नहीं पाता है, या जिससे प्रेम करते हैं वह उनकी कोई कदर ही नहीं करता है। और जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो ऐसा व्यक्ति अंदर से बिल्कुल टूट सा ही जाता है, उसका कोई भी कार्य करने को मन ही नहीं करता है, बल्कि वह डिप्रेशन में भी काफी बार आ जाता है। इतना ज्यादा चिंता और इतना ज्यादा दुख उस व्यक्ति को होने लग जाता है कि वह अगर काम का भी होता है तो बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खास तंत्र प्रयोग के बारे में बताएंगे जो वशीकरण से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से किसी को भी आप अपने वश में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस प्रयोग का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सच में किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और किसी को सच्चे मन से पाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से इस प्रयोग को आप करके लाभ उठा सकते हैं। लेकिन करना किस प्रकार है इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि ये तंत्र प्रयोग है तो हर एक बात को ध्यान से सुनना और समझना बेहद आवश्यक होता है। जो ये तंत्र प्रयोग होते हैं इनमें खासियत यही होती है कि इनकी छोटी छोटी जो बातें होती हैं अगर आप इन्हें मिस कर देते हैं तो फिर इनका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर जिससे भगवान शिव की कृपा परमेश्वर बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति की अपनी ही अलग आत्मा होती है और बस जो भी तंत्र प्रयोग होते हैं या वशीकरण सम्मोहन की जो विद्याएं होती हैं, आकर्षण की जो विद्याएं होती हैं, ये आत्मा के माध्यम से ही की जाती है। जैसे कि काफी लोग ऐसे होते हैं जो तंत्र को प्रैक्टिस करते हैं, तंत्र प्रयोग के बारे में जानते हैं, सात चक्रों के बारे में जानते हैं, वो तो बड़ी आसानी से अपनी आत्मा तक पहुँच जाते हैं और उसी के माध्यम से आगे का तंत्र फिर वो करते हैं। लेकिन काफी लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है। काफी लोग तो ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं, बल्कि अगर कुछ लोगों को बोला जाए कि शांति से कमरे में अकेले बिल्कुल चुपचाप बैठना है तो वह अपने अकेलेपन से भी डरते हैं। तो यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे हालातों में आपको केवल इतना करना है कि जैसे शरीर के नाखून होते हैं, शरीर के जो बाल होते हैं उनमें उस व्यक्ति की एनर्जी होती है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, या फिर उसकी कोई ऐसी चीज जो उसे सबसे अधिक प्रिय हो वो अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, या फिर उसके पहने हुए कपड़े आप प्राप्त कर लेते हैं, या उसकी कोई भी ऐसी चीज जिसे कुछ दिन उसने इस्तेमाल किया हो, अगर आपको ऐसी चीज मिल जाती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको केवल इतना करना है कि एक लाल रंग का और एक पीले रंग का धागा लेकर आना है। अगर उसके नाखून या उसके बाल आपको मिलते हैं तो इन्हें जलाकर आपको इनकी राख बना लेना है। अगर इनके स्थान पर कोई ऐसी चीज मिलती है जिन्हें जलाया नहीं जा सकता है तो उन चीजों को आपको ऐसे ही रखे रखना है। आपको इस प्रकार करना है कि लाल और पीले धागे पर अपना और उसका नाम लिख लेना है, यानी कि पीले धागे पर लड़के का नाम आपको लिखना है और लाल धागे पर लड़की का नाम लिखना है। इस प्रकार से ही आपको लिखना है और ये आप किसी भी स्केच पेन से बड़ी आसानी से लिख भी सकते हैं। और अगर आप लिख ना पाए तो आपको ये करना है कि किसी कागज पर लिखकर बस उस धागे पर आप चिपका दें। अब उसके बाद उन दोनों धागों को इस प्रकार से लपेटते जाना है, जैसे कि हाथ में पहनने वाला जो ब्रेसलेट बनाया जाता है दो धागों को जोड़ के, जैसे रस्सी बनाई जाती है, इसी प्रकार से आपको एक दूसरे में लपेटते हुए पूरे धागे को रस्सी बना देनी है। और आपको इतना लंबा धागा लेना है जितना लंबा आपका सीधा हाथ है। और जब तक आप इस धागे को लपेटेंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम क्रीम महाकाली सम्मोहनाय देवी मम कार्यम सिद्धिम में देही फट स्वाहा। बस इस मंत्र का उच्चारण करते करते मन ही मन में बस ऐसे रस्सी सी आप बना लें। और उसके पश्चात आपको एक मिट्टी का जो कुल्हड़ होता है वो आपको ले लेना है, या फिर मिट्टी का दिया मिलता है, मिट्टी का कोई भी छोटा सा बर्तन आपको मिल जाता है वो आपको ले लेना है। उस धागे को उस मिट्टी के बर्तन में आपको डाल देना है और उसमें ऊपर से शहद डालकर वो जो उसकी चीजें आपको प्राप्त हुई हैं उसी मिट्टी के जो कुल्हड़ आपने लिया है उसी में दबा देना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अगर आपको उसकी मिलती है, जैसे कि उसके इस्तेमाल किए हुए कपड़े आदि अगर आपको मिलते हैं, तो इतना बड़ा आपको कुल्हड़ लेना है, इतना बड़ा मटका भी आप ले सकते हैं जिससे बड़ी आसानी से उसकी चीजों को उस कुल्हड़ में दबाया जा सके और ऊपर से बंद किया जा सके। तो ऐसे आपको करना है। और उसके पश्चात आपको जाकर बरगद वृक्ष के पास जिसकी जटाएं लटकी हुई होती हैं वहां पर जड़ में जाकर इस मटके को, इस कुल्हड़ को, छोटा सा जो भी आपने बनाया है इसे आपको दबा देना है।
और जहाँ पर आपने दबाया है वहाँ पर आपको देखते हुए महाकाली के जो 64 गण होते हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली के 64 गणों मेरी रक्षा करो और जिस व्यक्ति को मैं वशीकरण अपने आकर्षण और सम्मोहन में बांधना चाहता हूँ उसे मेरे पास खींच कर लेकर आ जाओ। बस इस प्रकार से आपको करना है। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब इस प्रयोग को आप करेंगे और अपने घर को लौटेंगे तो बीच रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको टोकने लगेंगे, कुछ ना कुछ पूछने ही लगेंगे। तो आपको इस प्रकार करना है कि साइकिल या किसी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाना है और वहां से कार्य करके सीधा बिल्कुल अपने घर पर आ जाना है जिससे कोई भी आपको टोक ना सके और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। बस इस प्रयोग को करते ही जाना है। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जहां पर भी आप दबाकर आएंगे तो उस स्थान को आपको याद रखना है, उसके ऊपर कुछ पत्थर रख देना है जिससे आप पहचान सके, क्योंकि बाद में आपको एक कुल्हड़ 4 दिन बाद निकालना भी है। इससे होता यह है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी चीजें उसमें मौजूद रहती है और ये आपने बनाया है तो दोनों के जो ऑरा होते हैं वो आपस में मिलने लग जाते हैं। आप तो उस व्यक्ति को आकर्षित करना ही चाहते हैं तो अगर वो व्यक्ति आपके खिलाफ या आपके विरुद्ध सोचता है तो ऐसा करने से वो आपके प्रेम में पड़ने लग जाता है। क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को आप करेंगे तो अगर वो व्यक्ति आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है तो जैसे ही ये प्रयोग हो जाएगा वो व्यक्ति बिल्कुल आपके बारे में सोचने लगेगा और ऐसा सोचेगा कि बस आपसे किसी तरह से बात हो जाए, और जब तक आपसे बात नहीं होगी तो वह बेचैन भी रहने लगेगा। तो इस प्रकार से करना है। जब 4 दिन हो जाते हैं तो एक कुल्हड़ को निकालकर आपको किसी भी कुएं में फेंक देना है या किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है या फिर कहीं तालाब में भी इसे आप फेंक सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि आंकड़े का पौधा अगर आपको मिलता है तो उसके आसपास भी इस कुल्हड़ को बाद में दबाया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको नदी ना मिले, कुआं ना मिले, कोई तालाब भी ना मिले तो आंकड़े का पौधा तो अवश्य ही मिल जाएगा, तो वहां पर आप बस इसे दबाकर आ जाएं। और ऐसा करते ही आप किसी महाकाली के मंदिर में जाएं और महाकाली के मंदिर में जो घंटी लगी होती है उसे 8 बार बजाकर आ जाएं। आपको ये भी बता दें कि मंदिरों में जो घंटी लगी हुई होती है उनका भी एक तंत्र रहस्य रहता है। आपने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा होगा कि कई लोग होते हैं 3 बार घंटी बजाते हैं, कई लोग होते हैं पूरा 108 बार बजाते ही चले जाते हैं, तो वे अलग अलग साधनाओं के लिए अलग अलग प्रकार से घंटी बजाई जाती है। क्योंकि जैसे ही आप घंटी को बजाते हैं तो अपने सीधे हाथ से बजाते हैं और उसी में 7 चक्र आपके वास करते हैं, और जो घंटी होती है वह पीतल की बनी हुई होती है और जैसे ही वह घंटी बजती है तो उसमें से ब्रह्मांडीय ऊर्जा निकलती है जो सीधा आकाश में जाकर आपके इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो इसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस चैनल में सबसे ज्यादा खास जानकारी आपको बताई जाती है जो किसी भी चैनल में बताई नहीं जाती है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो जिस प्रकार हमने आपको ये बताया है कि अंत में आपको 8 घंटी बजाकर आ जाना है, बस इतना करने मात्र से आप स्वयं देखें कि जिस व्यक्ति को आप आकर्षित करना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके सम्मोहन पाश में इस तरह से बन जाएगा कि 24 घंटे ही आपके बारे में सोचता रहेगा। लेकिन फिर आपको ये करना है कि उसके साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं करना है, तो इसलिए इस प्रयोग को बिल्कुल सोच समझ के करना है, उसी व्यक्ति के साथ करना है जिससे आप बिल्कुल सच्चा प्रेम करते हैं। इस प्रयोग को बिल्कुल भी भूल कर भी मिसयूज ना करें, किसी व्यक्ति के साथ धोखा ना करें और किसी के साथ गलत भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि महाकाली के जो प्रयोग होते हैं वे बिल्कुल सच्चे मन से किए जाते हैं और बिल्कुल भी गलत धारणाओं से बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।